प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जवान पर ठंडा पानी भी डालो तो भाप बनकर उड़ जाए। चलो नखरे मत। बकवास बंद। बांड के लिए गरम पानी लेकर आओ। अरे यार तू भी ना औरतों की तरह नखरे करता है। अब गरम पानी। ओए हो गया तेरे गरम पानी का इंतजार। डार साहब पानी में चाय तो नहीं डाली अभी तक। तेरे ग्राहक को देखकर मैं सोच रहा था कि तुझे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। अब शर्मिंदा मत करिए डार साहब। नजीरे एक बात समझ में नहीं आती। हाँ जी। तू ये अपना पानी खुद गर्म क्यों नहीं करता है? अपना काम खुद किया कर। डार साहब आपको याद है आप एक बात हमेशा कहा करते हैं। कौन सी बात? आप कहते हैं कि ग्राहक और मौत का कोई भरोसा ही नहीं है। अब जिस बात का भरोसा ही नहीं है उसके लिए मेहनत क्या करनी है। आवाज दे लो जनाब गरम पानी भी आ गया। चलो बाल के साथ थाल भी निकालेगा। क्या हुआ? मुर्गी समझ रखा है पहले पानी में उबालेगा और फिर पर भी निकालेगा। ज्यादा गर्म है और क्या? ऐसा बोलो ना अभी ठीक करता हूँ। अली मोहम्मद रामांडा शेव गरम ब्रश नरम शेव करूंगा कूप बना दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। एक बात बताओ भाई तुमने अभी मुझे हजाम कहा। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि ये तुम्हारा पेशा है। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें जेम्स बांड टांगे वाला कहूँ तो? बहुत अच्छा लगेगा मुझे फख्र महसूस होगा। अरे मरद जिले में अमिताभ बच्चन भी टांगे वाला था। उसने टांगे वाला गाना गाया था। अरे इसलिए कहता हूँ मेरे साथ शहर वहर चला करो फिल्म विलिम देखा करो कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है चलूंगा लेकिन वो फिल्म दिखाना जिसमें अमिताभ बच्चन हजाम हो। और दूसरी बात ये तुमने अपना नाम क्या रख लिया जेम्स बांड? इसीलिए कहता हूँ अंग्रेजी फिल्म विलिम भी कुछ देख लिया करो कभी। क्यों उसमें कोई अंग्रेज भांड था क्या? अरे भांड नहीं बांड बांड। अरे पागल तू क्या समझेगा कि मैंने अपना नाम जमील बांडे से बदल कर जेम्स बांड क्यों रखा? पाउडर लगा पाउडर। मैं लगाता हूँ पहले मुंह तो पोछ लूं तेरे।
अभी तेरे कुलचे के बाहर आने में टाइम है। तंदूर में पक्के तैयार हो रहा है तेरा कुलचा। अभी बाहर आएगा और मेरे भांड का दिलबाग निशात हो जाएगा। तेरा कुलचा बाहर आ रहा है। बाप का है बाप। तंदूर में गया। तंदूर पर है। मुलाकात होगी। कब? जब तुम कहोगे। कहाँ? जहाँ कोई आता नहीं। नहीं, जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये कैसी आवाज मर्दाना? यहाँ कौन है जो आवाज आएगी? और ऐसी गरम गरम रोटियां डालोगे तो कैसी आवाज निकलेगी? हाथ जल गया। आजत डालो गर्मी की। नान भाई की बेटी है, नान भाई के ही घर जाएगी। जला दिया ससुर ने। जला दिया। बांड अभी जिंदा है, मरा नहीं है। गरम पानी चाहिए थे साले भांड को। लग गई ना रजाक की गरम सीख। अरे पहलवान चलो जल्दी करो, डॉक्टर साहब का सामान दो। कर ये ला काम। ए डार साहब, डार साहब ये लो अपना सामान। और ये रहा तुम्हारा हिसाब। अब तुम्हारा हिसाब देखू मैं है? क्यों? अरे इतने वर्षों से तुम मेरा सामान ला रहे हो, उसका कोई हिसाब नहीं। अब मैं ये हिसाब देखू बाबू। जान की जैसा अस्पताल सुनाने में बहुत बचती। रात्रि को खतरा तो नहीं था? अरे डार, तुम्हें क्या हो गया है? किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? जान की जद अगर तुम्हारी बहन है तो कुछ नहीं। और रही सब तुम की बात, रास्तों पे वो खतरा नहीं जिसने इतने वर्षों दहशत फैला रखी। और जब था भी तब भी महबूब नेशनल डरा नहीं। हाँ ये बात तो है भाई, पिछले 9 सालों से यहाँ की सड़कों की वीरानी सिर्फ तुम्हारा ट्रक तोड़ता रहा है। अरे जो बंदा 47 में जख्मियों को निकालता रहा उससे भला ये तमस वाले क्या डराएंगे? और अपनी जान हथेली से लेकर घूमते थे, इसीलिए तुम्हारा नाम महबूब भट्ट से महबूब नेशनली हो गया। यारों की मेहरबानी है, नहीं तो पब्लिक मुझे कभी महबूब पंचर या महबूब टायर कहती तब मैं क्या करता। डार, जान की जद की जिम्मेवारी अब हमारी है। उनका दुख उनका सुख हमें ही देखना। अच्छा मैं चलता हूँ, बहुत काम है। नहीं फिर कभी, दूसरे का सामान भी देना है। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ये क्या है? ये तेल है।
नहीं वो तो ठीक है पर इस पे कोई ठप्पा नहीं है। कौन सी कंपनी का तेल? कंपनी गई तेल लेने, तुम्हें कौन सा अपना सिंगार करना है? नहीं महबूब भाई मैंने आपसे कंपनी का तेल, अरे वो बहुत महंगा था, ये गियर बॉक्स ऑयल है, थोड़ा मैला है लेकिन काम वही करता है, पूरे साल चलेगा और तुम्हारे कुंडी तालों में डालने के काम भी आएगा। तालों की बात मत करो महबूब भाई, दिल देखते ही देखते बुलबुल बाग के कितने ही घरों और दुकानों पर ताले खुले और जो रह गए हैं वो भी त्योहारों पर कपड़े नहीं खुले। तो फिक्र क्यों करता है? ये ले और घुमा अपना चक्का, असल बात है चक्के का घूमते रहना। अरे उल्लू की तरह मुंह क्या ताक रहा है मेरा, चलो मेरा नाप ले। अच्छा अच्छा ये हुई ना बात, खड़े हो जाइए। अरे मैं बैठा ही कब था? नहीं नहीं तो नाप लेने के लिए। चलो लो ना महबूब भाई, आपका ऐसा कुर्ता सिलूंगा कि सारा बुलबुल बाग आपके पीछे पीछे घूमेगा और मेरा जुलूस भी निकालोगे हाथों पर। क्या कर रही है? मैं इसे साफ कर रही थी। साफ कर रही थी? मैंने सोचा कि क्या सोचा? जब तुझे पता है मैंने इसे बजाना छोड़ दिया है फिर क्या जरूरत है इसे साफ करने की? पता नहीं तुम औरतों को कब अक्ल आएगी। ये आप क्या कर रही है? आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे अंदर रख देती हूँ। वाह सूफी वाह, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हाथ में रबाब देखकर तो ऐसा लगता है कि बुलबुल बाग में फिर से बाहर आए। अच्छा ये मुझे तो पता ही नहीं था महबूब। तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम तो अपने घर में खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे रहते हो। सुनो सूफी, वादी में ऐसा कोई घर नहीं जिसने मातम न मनाया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी जिंदगी भर उस गम में रोता रहे। मैं ड्राइवर हूं, ट्रक ड्राइवर, हमेशा ड्राइवरों की जबान में बात करता हूं कि अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ रियर विजन मिरर में देखने से काम नहीं चलेगा, आगे के रास्ते पर भी नजर रखनी होगी। तुम तो खुद लोगों में उम्मीदें जगाया करते थे, धार की दुकान पर बैठकर अखबार पढ़कर लोगों को सुनाया करते थे, मगर अब ये क्या है? अब वो हालात कहाँ हैं महबूब? हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है तो ये देखो। ये क्या है? पैसे? ये पैसे नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि खुशहाली आने वाली है। हाजरा तुम्हारे बनाए हुए सब शॉल बिक गए। लाला किशनचंद कहते थे कि सैलानी फिर आएंगे, कारोबार फिर बढ़ेगा। मुझे यकीन है अहमद सूफी कि ये रबाब फिर बजेगा क्योंकि इसकी आवाज को कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि तुम खुद अहमद सूफी। ये ले हजरत, खुदा हाफिज। सब ठीक हो जाएगा, रात से तूने कुछ खाया नहीं, ले चाय पी। अरे
मुझे मेरे भाई का ख्याल आता है, मेरा कलेजा फटने लगता है। माँ तो रही थी, मौसी ने पाल पोस के बड़ा किया, कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, वो भी चली गई, अपने पीछे छोड़ गई अपने बेटे हबीब और सुल्तान को। सुल्तान भी चला गया, माँ भी चली गई, पीछे रह गई मासूम जाने। सुल्तान की बेटी और मेरी मौसी का बेटा हबीब मायके में सिर्फ एक भतीजी और एक भाई ही बचा है, सगे भाइयों से भी ज्यादा प्यारा। आए मेरा हबीब। रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा, उस बेचारी हमीदा की शादी होते होते रुक गई, घर चल गया, कारोबार तबाह हो गया। हाय मेरा भाई हबीबा। मुझे बस करना, रात भर से तू रो रही है। अच्छा चाय पी। हम मामा और हमीदा को यहीं बुला लें? अरे बुला क्या लेंगे, मैंने तो पैगाम भी भिजवा दिया है कि किसी बात की फिक्र मत करो, यहाँ आ जाओ, ये भी तो उसी का घर है। अरे यहाँ आ जाएंगे तो मेरे भी दो हाथ और बढ़ जाएंगे। हाय वो मेरा कमजोर सा बच्चा, मेरा प्यारा भाई हबीब, हमेशा बीमार रहता था, ना कुछ खाता था ना पीता था, पता नहीं किस हाल में होगा। अकल से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे वो लोग। अब चुप हो जा, मुझे भी दुकान पर जाना है, चल नसीमा। मुझे भी पढ़ने जाना है। अब ये पढ़ाई की नई मुसीबत मोल ली, पता नहीं नेशनल और दैत को क्या हुआ, ये पढ़ाई की जिद करके सारा काम खराब। अब पी लेना मोजी, मुझे पढ़ाई के लिए जाना है, मास्टर जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये गलत गाना क्यों गा रहे थे? मरद टांगे वाला हूँ मैं, मरद टांगे वाला, आप हूँ खुदाया। अरे गाना तो मुझे पूरा याद है जवानी। अरे वो तो दानों को चाबुक मारी तो लग गई मेरे अपने हाथ को, जहाँ तुम्हारे बाप की गरम सीख से छाला पड़ गया था, बस इसीलिए मेरी चीख निकल पड़ी। हाँ ये हाथ पर चादर क्यों बांध रखी है? अरे चादर नहीं, ये नाक पोछने वाला रुमाल है। अरे एक पाव भर के हाथ को जलाकर तुम्हारे बाप ने महबूब नेशनली का ट्रक टायर बना दिया, और अब इस फुले हुए हाथ पर मदा रुमाल भी तुम्हें चादर नजर आ रहा है। आए मैं मर जाऊं। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन मेरी जाने जिगर। हाय तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए, इन किताबों के साथ तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे फिल्म का एक शार याद आ गया। शार नहीं, शेर। अरे शेर खतरनाक जानवर है। हाँ ये शार है, शार। लेकिन इस शार को मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, सुनाऊं? सुना। नान भाई के घर में पढ़ाई खुदा की कुदरत है, कभी हम नसीमा को कभी उसकी बाकर खानी को देखते हैं। आधा बरसे तुम बार बार मुझे कुलचा और बाकर खानी क्यों कहते हो? तुम क्या चाहते हो, मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर किसी नान भाई के साथ शादी करके उसके तंदूर में जल भरूं? नहीं, बांड अभी मरा नहीं, मैं उस तंदूर को जलाकर राख कर दूंगा, उस आने वाले नान भाई को उसी के आटे में गूंथकर उसकी रुमाली रोटी बना दूंगा। अच्छा रुमाली रोटी बना दूंगा, मेरे बाप की एक सीख से तुम्हारे हाथ का रुमाल चादर बन गया, पता नहीं और कुछ करते तो। अरे क्या करेगा, अरे तुम्हारे प्यार तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं तुम्हारे अब्बू का जुल्म बर्दाश्त करता हूँ, अगर किसी दिन उसने तुम्हारा हाथ किसी और नान भाई के हाथ में दिया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? पता है सुबह ही नब चाचा आए थे मेरे लिए रिश्ता लेके, और अब्बा ने तो हाँ भी कर दी, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। शाम को कहाँ से? आ गए,
जो भाई तांगे वाले बुलबुल बाग चलोगे? हाँ जरूर चलेंगे, बैठो। कितने पैसे लोगे? 10 रुपया। 10 रुपए? अरे हम तो सिर्फ 2 आदमी हैं और कोई सामान भी नहीं है। आपकी सवारी तो ठीक है, पर ये सवारी सामान के साथ वाली सवारी है। ओए, ये तो बचा है। ये बचा है तो फिर मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ हूँ। जानता दन्नो को कितनी तकलीफ होगी? दन्नो कौन? दन्नो मेरी घोड़ी। अरे घोड़े का काम है वजन उठाना, इसे कुछ नहीं होगा। मेरी दन्नो को कुछ नहीं होगा? अरे इसे पता भी नहीं चलेगा, सारा वजन टांगे पे पड़ता है। ओहो, मैं ऐसा करता हूँ, तुमको दन्नो की जगह रख देता हूँ। मैं तुम्हारा बाप और दन्नो टांगे में बैठ जाते हैं, फिर देखते तकलीफ होती है कि नहीं। अब बहस बंद करो, 7 रुपए देते हैं। 10 बस। उधर में अंधेरा गिराएगा, कोई सवारी नहीं जाएगी, जानवर उतर आएंगे। मैं तो निकल जाऊंगा, तुम नहीं निकल पाओगे। अलबत्ता तुमको कौन सा जानवर देखेगा सिवाय तुम्हारे इस लाल के। अब्बा जी मुझे जानवरों से डर लगता है। डर तो मुझे भी लगता है। 9 रुपए दे दो। 10 बस। चल धन्ना, चल धन्ना। अरे रुको रुको, 10 रुपए देते हैं। 10 रुपए देते हैं। चल दन्नो। अरे ये क्या नाम रखा तुमने? दन्नो, ये भी कोई नाम है? अरे तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम है नजीब। तुम अपना नाम रखो रकीब, नजीब भी कोई नाम है? यहाँ आसपास जंगल में जंगली जानवर रहते हैं या आदम खोर रहते हैं? आदम खोर। आराम से चलाओ। अरे बाप कहता है आराम से चलाओ, बेटा बोलता तेज चलाओ, किसकी बात मानू? अरे तेज चलाओ, आराम से चलाओ। अरे तेज चलाओ, आराम से चलाओ यार। अब्बा लानत है ऐसे सफर पर। जाना जरूरी है। अभी कितनी दूर है? अभी अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ, वैसे भी मेरा पहिया हिल रहा है, रास्ते में कहीं भी टपक पड़ सकता है। वापस तो चल सकते ना? अब्बा अब्बा मुझे वापस जाना है। टांगे वाले मेहरबानी कर दो। अरे मेहरबानी की क्या बात है, वापस लौटने के 20 रुपए और अगर यहाँ उतरते हो तो 10 रुपए। अरे 10 रुपए तो बुलबुल बाग तक का फैसला किया था। जाना किधर है? किधर है? वापस घर। वापस घर। आराम से, आराम से। कमजोर सा बच्चा, दुनिया भर के रोग, दुनिया भर के दुख, ऊपर से पगली भतीजी का बोझ, जो अपना बोझ नहीं उठा सकता वो। खुदा के वास्ते चुप हो जा, नसीमा अपनी माँ को समझा। क्या बात है बशीरे? वो मैं नागवल गया था तो वहाँ मुझे खिजर बट मिला, तो उन्होंने कहलवाया है कि आपका साला साला भी है क्या आपका? सर नाम क्या होता? ए, क्या नाम है तेरे भाई का? अरे हबीब। हबीब? हाँ, उन्होंने कहलवाया है कि आपका साला हबीब कल बुलबुल बाग पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। और क्या, बस खुशखबरी है तेरे लिए, कल तेरा भाई हबीब आ रहा है। लौटाओ मिट जाएंगे दिल के दाग।